Assalamu alaikum ji, this is Nawal and today I'm in Lahore to promote my first ever feature film Peeche Toh Dekho, which is releasing on the 17th of May, 17th of June. अच्छा, I belong to the old era of 1971. उस era की ये लड़की है, उस तरीके से dress up करती है, गाने का शौक है, छोटी बहन है, इसकी एक बड़ी बहन है, so they're basically both sisters living in the house. और मैं ज़्यादा reveal नहीं करना चाहती. आई थिंक इट वॉज़ अ वेरी वेरी कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट सेट पे. सर आतिफ की पूरी टीम को जानती हूँ, उनके साथ ड्रामा कर चुकी हूँ, तो उनके साथ तो एक आइडिया था ही मुझे कि हाउ द टीम इज़ गोइंग टू बी लाइक. प्लस इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम वर्किंग विद आदि, यासिर, सारा एंड वकार, एंड इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. सबके साथ बड़ा अच्छा रहा और कम्फर्टेबल था मोर देन एनी थिंग एल्स, सो आई एम वेरी हैप्पी. मैं सर आतिफ के साथ मैंने पहले ड्रामा किया था, मेरा पहला प्रोजेक्ट था बेजुबान, तो वो मैंने किया था. उसके बाद वी वर वर्किंग एंड देन ही टोल्ड मी कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और एक कैरेक्टर आई एम स्पेशली राइटिंग फॉर यू, मुझे लगता है कि यू विल वेरी नाइसली प्ले दिस कैरेक्टर. तो फिर मैंने दिस इज़ हाउ आई गॉट इट. मैं सिर्फ ये कहूँगी कि एक पाकिस्तान की पहली कोशिश है हॉरर कॉमेडी फिल्म बनाने की, तो कोशिश को जाने ना दें, ज़रूर देखें. ये मैं किसी के दिमाग के अंदर जाके ये नहीं कह सकती कि आपको पसंद आएगी या आपको पसंद नहीं आएगी, ईच टू देयर ओन. किसी को शायद बहुत पसंद आए, किसी को शायद पसंद ना आए, लेकिन कोशिश को जाने ना दें. पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म की कोशिश है, तो प्लीज़ ज़रूर दें. मेरा आदि अदील, उनके साथ पैर है, और बेसिकली पैर किसी का किसी के साथ नहीं है. मतलब एक कपल नहीं दिखाया है, मेरा जुनेद के साथ भी इफ़ यू कॉल इट पैर दिखाया है, और आदि के साथ भी दिखाया है. आई थिंक इट्स ए 2 आवर फिल्म. उस वो थोड़ी बड़ी बन रही थी लेकिन उसको चॉप डाउन करके 2 घंटे पर आया. 2 आवर फिल्म, राइट? 2 आवर फिल्म. ठीक है. अच्छा, अपने आप को मतलब जाहिर है बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए आप एक्साइटेड तो होंगी, तो क्या कोई नर्वसनेस भी है? और जब ये फिल्म तैयार हो गई तो आपने देखी, तो अपना आप कैसा लगा आपको देखकर? अच्छा, सब ने टीम में फिल्म देख ली है, मैंने अभी तक नहीं देखी है. मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ. मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी पहली फ़िल्म है, मेरा एक्सपीरियंस है. लोगों को अच्छी लगना या बुरी लगना मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं ये आई कांट फोर्स इट ऑन समबडी टू लाइक इट और नॉट लाइक इट. तो मैं सिर्फ इस बात को लेके अभी खुश हूँ कि मेरी फ़र्स्ट फिल्म है, एंड आई विल बी गेटिंग टू सी माई सेल्फ ऑन द बिग स्क्रीन, एंड दैट्स ऑल मैटर्स. जी, मैं 5 साल से काम कर रही हूँ. आई बिन डूइंग ड्रामास, आई हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, लेकिन ये फिल्म मेरी पहली है. अच्छा, ये बताइए आर्टिस्ट, मैं नाम किसी का स्पेसिफिक नहीं ले सकती, बट आई रियली लाइक सानिया सईद. मुझे बड़ा शौक है उनके साथ काम करने का. और फिल्म एक्टर्स में से ओनली शोएब मंसूर, ओनली. बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि उनके काम में ऑनेस्टी भी है, और उनको फिल्म बनानी आती है. मैंने उनकी जितनी भी फिल्म्स देखी हैं, बोल, खुदा के लिए, और वरना उनकी फिल्म, तो मुझे लगा कि दिस मैन नोज़ हाउ टू मेक अ फिल्म. एंड ऑल्सो सहमत खुसट, अभी मैं कमली की बड़ी तारीफ़ें सुन रही हूँ, एंड आई रियली विश टू वॉच इट. इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट, तो
उसलिए मुझे पसंद है एंड आई वॉन्ट टू वॉच समथिंग डिफरेंट और समथिंग एटलीस्ट ऑनेस्ट. उस पर काम भी करना चाहूँगी और देखना भी चाहूँगी. अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखूँगी बता रहे. मैं ये बिल्कुल कभी भी सोचना नहीं चाहती वरना डिसअपॉइंट हो जाऊँगी अगर अपने दिमाग में ये सोच रख लूँ कि यहाँ अपने आप को देखती हूँ और वो ना हुआ. हो सकता है उससे बेहतर हो जाए, हो सकता है वो ना हो, तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही होगी. तो मैं आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. आज मैं हूँ और कल डोंट गो. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मेरा इस रैट रेस से कोई ताल्लुक नहीं है. मैं किसी के साथ कंपटीशन में नहीं हूँ. मेरा कोई कंपटीशन नहीं है. आई जस्ट विश टू वर्क गुड. आई विश टू बी अ बेटर पर्सन एवरी डे. और आगे का नहीं सोचती. अभी जो करूँगी दिल से करूँगी, ऑनेस्टी से करूँगी, आगे का नहीं सोचती.